हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप सोनकर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं लेंस सूत्र। उत्तल तथा अवतल लेंस के कारण UVF में जो संबंध था वो अपन ज्ञात कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन जो है चर्चा करेंगे लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो लेंस की जो शक्ति होती है वो प्रकाश की किरणों को अपसारित तथा अभिसारित करने की जो क्षमता है वही लेंस की क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर अपने पास परिभाषित कर रखा है प्रकाश की किरणों को अपसारित तथा अभिसारित करने की क्षमता को ही लेंस की शक्ति कहा जाता है। अर्थात अपने पास जो है प्रकाश की किरणों को, उत्तल लेंस जो है वो अपने पास प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, अर्थात एक बिंदु पर फोकसित करता है, केंद्रित करता है। और यहाँ पर जो है अपसारित जो लेंस है वो अवतल लेंस है जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। प्रकृति यहाँ पर बात करें तो यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। लेंस की जो शक्ति है उसको अपन लिख सकते हैं P बराबर, उसको P से लिखते हैं, P इज इक्वल टू द 1/F। F जो है फोकस दूरी वो किसमें आएगा, ये सदैव ध्यान में रखना, उसको अपन मीटर में ही लेंगे। और शक्ति का जो मात्रक है, इसका मात्रक देखा जाए, मात्रक जो है अपने पास डायोप्टर आता है, यानी लेंस की जो शक्ति होगा उसका मात्रक क्या है, डायोप्टर में डी से लिखेंगे इसको अपन, कैपिटल डी से। और इसके अंदर बात ध्यान में रखनी है कि अगर अपने पास क्वेश्चन आए जिसके अंदर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है आपको, तो उसको सर्वप्रथम जो है अपन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन जो है शक्ति को ज्ञात कर सकते हैं। उसके अंदर अपने पास इसके अंदर नॉट, मैं पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फोकसित करता है, जबकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करेगा और ये यहां से वहां से फैलाने का कार्य करता है। दूसरा बिंदु अगर अपन देखें इसी के अंदर, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो शक्ति भी कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव, धनात्मक होगी। उसी प्रकार से अवतल लेंस की बात की जाए, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है, तो शक्ति भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। उसके बाद बात की जाए तो अपने पास दो लेंस परस्पर पास में रखे हों तो उनकी फोकस दूरी कितनी होगी, दो लेंस परस्पर पास रखे हुए हों तो फोकस दूरी f1/f1 + f2। ये जो है अपने पास पहले की फोकस दूरी होगी लेंस की, एफ टू जो है वो दूसरे लेंस की होगी, यानी कुल मिलाकर यहां पर जो है अपना 1/f = 1/f1 + 1/f2 होगा। और n लेंस है तो अपने पास 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/1/fn, इस तरह से हो जाएगा। और कुल शक्ति की बात की जाए तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2। ये 1/f को ऊपर ने लिख दिया P, कुल शक्ति हो जाएगी। और यहां से ये जो है P के बराबर होगा, P1 के बराबर पहले लेंस की शक्ति, और ये
दूसरे लेंस की शक्ति, तो लेंस की जो शक्ति है वो अपने पास सदैव क्या होगी, योग के बराबर होगी। यानी दो लेंस जब अगर परस्पर पास रखे हुए हैं तो उन लेंस की दोनों की शक्ति को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसा कि उदाहरण के लिए यहां पर मैं बता देता हूं, उत्तल लेंस है, इसकी शक्ति मान लेते हैं प्लस में, तो प्लस का 5 डायोप्टर है, और यहाँ पर अपने पास इसके परस्पर एक दूसरा लेंस लग रखा है अवतल लेंस, जिसकी शक्ति जो है -3 डायोप्टर है। तो इन दोनों का संयोजन से अपने पास P1 + P2, ये P1 हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा P2, तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2। इस तरह से कुल शक्ति को देखा जाए तो +5 डायोप्टर -3 डायोप्टर, योग करना अपन को सीधा सा, तो P बराबर हो जाएगा +2 डायोप्टर। यानी परिणामी जो लेंस है वो किस तरह कार्य कर रहा है, प्लस यानी किस तरह से कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। चौथा बिंदु ध्यान में रखना है कि दो लेंसों की अगर आवर्धन क्षमता, दो उत्तल लेंस है अपने पास, दो उत्तल लेंस जिनकी आवर्धन क्षमता M1 तथा M2 है, तो इनकी इनकी आवर्धन क्षमता जो है, इनकी आवर्धन क्षमता जो अपने पास होगी वो M बराबर M1 इंटू कितना हो जाएगा M2। अगर दोनों लेंस पास में रखे हुए हैं, दो उत्तल लेंस जिनकी आवर्धन क्षमता कितनी, M1 इंटू M2 है, यानी दो लेंस अपने पास उत्तल भी हो सकते हैं अवतल हो सकते हैं। इसके अंदर हमेशा आवर्धन क्षमताओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। यानी अपन को आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, M कुल ज्ञात करनी है, तो उसके लिए दोनों को आवर्धन क्षमता का क्या होगा, गुणनफल होगा। कुल जो परिणामी जो आवर्धन क्षमता, ये परिणामी आवर्धन क्षमता अपन बोल सकते हैं इसको, परिणामी आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट जो है यहां पर अपने पास, यदि दो लेंस उत्तल हैं और ये दो लेंस उत्तल हैं और उन दोनों को पास में रखा है, तो परिणामी लेंस किस तरह कार्य करेगा। यानी यहां पर ये उत्तल लेंस है और उसी के समीप उत्तल लेंस रखा हुआ है, तो परिणामी जो लेंस है वो किस तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। यहां पर दो अवतल लेंस हो, दो अवतल लेंस हैं, तो उनकी आवर्धन क्षमता जो उनके गुणनफल के बराबर ही होगी। आवर्धन क्षमता वही के वही यहां पर जो अपन लिख रहा है M1, M बराबर M1 इंटू M2 होगा। और दो उत्तल लेंस अवतल लेंस ले रखे हैं, ये अवतल इस तरह से दो अवतल हैं पास पास रखे हुए हैं, तो ये परिणामी जो लेंस होगा वो किस तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। उसके बाद जो है अपने पास, दोनों में से एक अपने पास एक उत्तल तथा एक अवतल हो, जैसा यहां पर बना रखा है। तो इसके अंदर अपन देख चुके हैं कि जिसकी क्षमता यानी जिसकी शक्ति ज्यादा ज्यादा है, यहां पर प्लस का 5 डायोप्टर है और यहां पर माइनस का 3 डायप्टर है। इन दोनों का योग करने पर अपने पास कितना आ रहा है, 2 डायप्टर आ रहा था अपना, प्लस का 2 डायप्टर पी जो कुल है, तो प्लस में आ रहा है। यानी किस तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। अर्थात कहने का मतलब यहां से ये यह हो जाएगा कि अपने पास जिसकी लेंस की शक्ति ज्यादा है उसका अपने पास जो है लेंस उसी तरह से क्या करेगा, कार्य करेगा। मान लिया यहां पर अवतल लेंस की अगर शक्ति ज्यादा होती तो अपने पास किस तरह कार्य करता, जैसे यहां पर उदाहरण के लिए अवतल लेंस के लिए लेता हूं, ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। यहां पर अगर इसकी शक्ति लेता हूं प्लस का 5 डायप्टर और इसके लेता हूं माइनस का 8 डायप्टर, इन दोनों को योग करेंगे तो अपने पास आएगा प्लस का 5 डायप्टर -8 डायप्टर पी बराबर, तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 3 डायप्टर। अर्थात अपने पास माइनस में आ रहा है, तो माइनस में शक्ति किसकी होती है, जो अपन लिख चुके हैं अवतल लेंस की। तो ये किस तरह कार्य करेगा, परिणामी लेंस अवतल लेंस की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। अगर दोनों के एक उत्तल तथा अपने पास एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस है और इसके अंदर देखा जाए
तो अपने पास दोनों की शक्ति अगर समान हो, जैसे मान लिया यहां से उत्तल लेंस इसकी प्लस 5 डायप्टर है और इसका माइनस का 5 डायप्टर है, दोनों की अगर शक्ति समान है तो परिणामी जो शक्ति होगी वो कितना हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी इसकी फोकस दूरी जो है कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी और एक समतल प्लेट की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। इस स्थिति के अंदर ये जो अपने मुख्य मुख्य बिंदु थे इसके अंदर लेंस की शक्ति के अंदर जो अपन ने चर्चा की, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। थैंक यू।